हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वीर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक विद तन्वीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने YouTube के व्यूअर्स को बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई बटन का प्रयोग कैसे करते हैं और आई बटन से क्या फायदा है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो और हम लोग बताते हैं कि किसी भी वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो होता क्या है कि इस प्रकार जब हम दिखाते हैं कि आई बटन पर क्लिक करें, तो आई बटन का मतलब यह होता है कि वह वीडियो जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो वह वीडियो किसी वीडियो से संबंधित है। सपोज करो कि मैं कोई वीडियो मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ, वीडियो में मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ कि मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक। अगर मैंने उसी से रिलेटेड कोई और ट्रिक कहीं और बताई हुई है, तो आपको आई बटन का निर्देश दे दिया जाता है, आई बटन पर क्लिक करें और आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो भी व्यूअर्स आपके इस वीडियो को देख रहा है, वही व्यूअर्स आपके उस वीडियो को भी देख करके आसानी से वह वीडियो उससे संबंधित पा सकता है। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कैसे हम आई बटन का प्रयोग करते हैं। अपने YouTube स्टूडियो में आ जाएंगे। वहां पे आने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो चीजें, इंड स्क्रीन और आई गार्ड। इंड स्क्रीन में एक लास्ट वीडियो बना दूंगा कि उसमें इंड स्क्रीन का कैसे प्रयोग करते हैं। अभी हम यहाँ पे आई बटन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी, मैंने कहा कि बताया था इंट्रो में कि जहाँ पर भी आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर है या यह वीडियो इससे रिलेटेड है, वहाँ पर आप आई बटन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता, मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे चला कर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है आई बटन के लिए, तो हम यहाँ पर से ये वीडियो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो आप वहां से शो कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हाउ टू हाइड यूट्यूब सब्सक्राइबर, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर यह डिस्प्ले हो रहा है आई बटन। इसके अलावा आप वीडियोज में एक जगह नहीं, चार पांच जगह आई बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं उसको, और फिर से यहाँ पे प्लस कार्ड का ऑप्शन दे रहा है। फिर से या चाहे तो प्ले लिस्ट भी आप जोड़ सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए फिर से हम वीडियोज पर आ जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डाउन करके, मैं YouTube की बात कर रहा हूँ तो YouTube से ही देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube। इस पर क्लिक करता हूँ और मेरी YouTube से रिलेटेड ही बार बार वीडियो लग गई है। तो आप पूरे वीडियोज में, अगर आपकी लंबी वीडियो है, पाँच छः, कम से कम आई बटन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं।